अर्थात द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड हमने फिनिश कर लिया, अभी सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मेन टॉपिक है किंगडम ऑन एरा। तो किंगडम ऑन एरा के आगे टू सब टॉपिक्स हैं, आर्के बैक्टीरिया और यो बैक्टीरिया। ओके, सबसे पहले किंगडम ऑन एरा की बात करते हैं। किंगडम ऑन एरा जो है इसमें बैक्टीरियाज आते हैं, प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है उनके अराउंड जो है मेम्ब्रेन नहीं होती है। ओके, और उनके अराउंड पर्टिकुलर मेम्ब्रेन्स नहीं होती। देन बैक्टीरिया क्या है, सोल मेंबर है, कॉस्मोपोलिटन है, एवरीवेयर पाया जाता है, हर जगह पर पाया जाता है। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है देखने में बहुत सिंपल है, बट इसका बिहेवियर बहुत कम्प्लेक्स है। बैक्टीरिया जो है एक्सट्रीम हैबिटेट्स में पाया जाता है, जैसे हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशंस में, जहाँ पर बहुत कम जो है अदर लाइफ जो है, बहुत कम जो है ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। कोई और जो जीव है जहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता, वहाँ पे भी बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया जो है ये एंडोपैरासाइट पे हो सकता है और एक्टोपैरासाइट पे, किसी की बॉडी के ऊपर भी रह सकता है और बॉडी के अंदर भी रह सकता है। बैक्टीरिया की शेप अकॉर्डिंग ये फोर टाइप्स के होते हैं। बैक्टीरिया जिनकी शेप स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं, उनको कोकाई बोलते हैं, कोकाई बैक्टीरिया बोलते हैं। रोड शेप बैक्टीरिया को बैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं। कोमा शेप बैक्टीरिया को विब्रियो बैक्टीरिया बोलते हैं। एंड सिमिलरली स्पिरल शेप बैक्टीरिया को स्पिरिलम बोलते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया जो है, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी होता है और हेटरोट्रॉफ भी होता है। कुछ बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ऑटोट्रॉफ में ये आगे फोटोसिंथेटिक और जो सनलाइट से खाना बनाते हैं, और कीमोसिंथेटिक जो केमिकल न्यूट्रिएंट से खाना बनाते हैं वो होते हैं। बट ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी डिपेंड करते हैं फॉर फूड। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी खाना ले लेते हैं। आगे टू सब टॉपिक्स बोला था मैंने, किंगडम ऑन एरा के आगे टू सब टॉपिक्स है, उनकी बात करते हैं, जो है आर्के बैक्टीरिया और यो बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया जो है सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, आर्के बैक्टीरिया को बोला जाता है। ये एक्सट्रीमोफाइल्स कंडीशंस में रहता है, मतलब एक्सट्रीमोफाइल्स कंडीशन में रहता है जहाँ पे कोई लाइफ संभव नहीं है वहाँ पे भी। जैसे ये एक्सट्रीमली सॉल्ट एरियाज में रहता है, जिनको जो एक्सट्रीमली सॉल्ट एरियाज में रहते हैं उनको हम हेलोफाइल्स बोलते हैं। सिमिलरली ये हॉट स्प्रिंग्स में रहता है, जिनको हम थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। एंड मार्शी एरियाज में रहता है, जिनको मिथेनोजेंस बोलते हैं। और ये कुछ बैक्टीरिया जो है रूमिनेंट एनिमल्स जैसे काऊ है, उनकी जो है उनके अंदर पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया जो है मीथेन जो है मीथेन के प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। और ये मीथेन जो है रूमिनेंट एनिमल्स की डंग से मिलती है, उनके गोबर से मिलती है। उसके बाद ये एनिमल्स एक्सट्रीमोफाइल्स इसलिए है, मतलब हार्श से हार्श एरियाज में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स सेल वॉल, इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। देन बात करते हैं सेकंड सब टॉपिक की, यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। इनकी सेल वॉल रिजिड होती है, इनके अंदर अगर फ्लैजिला होगा तो ये मोटाइल होगा। ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं, मतलब कम ऑटोट्रॉफ्स होंगे, कुछ जो है ऑटोट्रॉफ्स। और ऑटोट्रॉफ्स में फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दोनों आते हैं। फोटोसिंथेटिक जो अपना खाना लाइट एनर्जी, मतलब सन से लाइट लेकर, मतलब एनर्जी से खाना बनाते हैं, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाती है, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। और इनके अंदर क्लोरोफिल ए नाम का पिगमेंट होता है, जैसे सिमिलरली हायर प्लांट्स में पाया जाता है वैसा ही। और ये जो है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि फोटोसिंथेटिक है, ये यूनिसेल्युलर होती है, कॉलोनियल भी हो सकती है और फिलामेंटस भी। ये फ्रेश और फ्रेश मेराइन और टेरिस्टल इन्वायरमेंट पे पाई जाती है। इनकी जो क्लोनिस है उसके अराउंड एक ग्लाइटेनियस शेथ होती है, जो क्या करती है, प्लूटेड वाटर्स में, प्लूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम पैदा करती है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया जो है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स्ड करते हैं बाय इट्स स्पेशलाइज्ड सेल्स, अपने स्पेशलाइज्ड सेल्स से ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स्ड करती है, जिसको हम हीट्रोसिस्ट बोलते हैं, जिसमें नोटोसोक और एनाबिना नाम के बैक्टीरियाज आ जाते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, कैसे करते हैं, ये अपना खाना जो है केमिकल से प्रिपेयर करते हैं। ये बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया, और अब इन एनर्जी को रिलीज करते हैं फॉर ATP प्रोडक्शन।
उसके बाद ये बैक्टीरिया जो है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आयरन, सल्फर, इनके ये रिसाइकलिंग करते हैं। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर होते हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया हेल्प करते हैं दूध से दही बनाने में। उसके बाद ये एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन करते हैं, जैसे पेंसिलिन। ओके, उसके बाद ये क्या करते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को इन लैग्यूम रूट्स, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया। देन कुछ जो है पैथोजन्स का भी काम करते हैं कुछ बैक्टीरिया जो है ह्यूमन बीक्स, क्रॉप्स और फार्म एनिमल्स, पेट्स में क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। इन्हें डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया बोला जाता है, जिनमें आ जाता है कोलेरा, मतलब क्या करते हैं, कौन से डिसीज कॉज करते हैं, कोलेरा, टाइफॉइड, टैटनस, सीट्रस कैंकर नाम की डिसीजेज पैदा करते हैं। पैथोजन बैक्टीरिया होते हैं कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया। और इसके बाद बैक्टीरिया जो है रिप्रोड्यूस करता है बाय फिजन, और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया जो है स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। ऑल्सो रिप्रोड्यूस कर सकता है बैक्टीरिया सेक्सुअली, अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, जिसको हम कंजुगेशन भी बोलते हैं। देन बैक्टीरिया में और क्या आ जाते हैं, मतलब हमारा किंगडम मोनेरा में माइकोप्लाज्म आ जाते हैं। तो माइकोप्लाज्म जो ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल वॉल नहीं होती है, और इसके बाद ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। इसमें जो है ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है, एनारोबिक मतलब रेस्पिरेशन शो करता है। उसके बाद ये बैक्टीरिया जो है पैथोजन होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं। माइक्रोप्लाज्म जो है पैथोजेनिक है। ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में डिसीज कॉजिंग करते हैं, पैथोजेनिक है। तो यहाँ पे हमारा किंगडम मोनेरा जो है टॉपिक फिनिश होता है।